गोली का जवाब गोली से देंगे। आम पब्लिक पिट के बैठ जाती है, ये वकील हैं, पिट के बैठने वालों में से नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम। हिंसा की बात कर रहे हैं, वकील इतना कमजोर कौम नहीं है कि पुलिस पीटेगा पिट के बैठ जाएंगे। याचना नहीं है, मरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। तो हम प्यार से समझाएंगे, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझे तो लाठी डंडा और गोली से पीछे नहीं है वकील। और अगर तुम्हें डीसीपी कमिश्नर ने भेजा तो मैं बता दूं, उससे कह देना तेरे पे जो बस की हो वकीलों का खाल लीजो, अब वकील उखाल के दिखाओगे, ऑफिस भी उखाड़ेंगे और उसकी मेज कुर्सी उठा के ले जाएंगे। जब ये मुकदमा लिखेंगे, मुकदमा लिखने के बाद उसको कहां लेके आएंगे, कोर्ट में लिखेंगे, अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, यहां मारेंगे फिर इन्हें अगर ये नहीं बाज आएंगे तो। पुलिस सबको चेक करती है, पुलिस को कौन चेक करेगा, तो उसको वकील चेक करेंगे। बुलडोजर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बुलडोजर से हम नहीं संभलने वाले। पुलिस को कानून हाथ में लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जब हमारे हाथ काटने के लिए कानून तैयार है तो हम अपने हाथ को कटने से बचाने के लिए लाठी डंडा गोली बंदूक सब उठाएंगे। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनको ये भी बता दो कि आप अपनी वो भी वीडियो देख सकते हैं जब पुलिस 2007 में रोए थे आप निरुपस्था के कारण, जो है आप संसद में जाकर रोए थे सदन में। याचना नहीं है, मरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, और युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और बात ऐसी है, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, पुलिस को वकील के अलावा कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। बात नहीं कर रहे, सहने की बात कर रहे हैं, जब हद हो जाती है तो उसको सहा जाता है। अच्छा। तो उन्होंने कह दी, छूट दे दी कि जब आपका मन करे हम तैयार हैं उस बात के लिए। अच्छा, बार बार ये विवाद क्यों होता है, पहले दिल्ली में हुआ था, अब यूपी में हो रहा है। ऐसा पुलिस सबको चेक करती है, पुलिस को कौन चेक करेगा, तो उसको वकील चेक करेंगे। आप उसको चेक करने के लिए हो रही है ये लड़ाई, जो गलत करेगी उसके गलत को गलत कौन कहेगा, वकील के अलावा उसे कोई गलत नहीं कह सकता, ना किसी में इतनी ताकत है, ना किसी को इतनी कानून की जानकारी है। हाँ, अगर वकील भी उस बात को सहने लगेंगे तो फिर आम जनता में और वकीलों में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनको ये भी बता दो कि आप अपनी वो भी वीडियो देख सकते हैं जब पुलिस 2007 में रोए थे आप निरुपस्था के कारण, जो है आप संसद में जाकर रोए थे सदन में, आप रोए थे सदन में, आपने इतनी पावर दे दी कि आज आप बेलगाम कर दिया आप, उन्होंने कि आप उनमें उनके पास कोई है नहीं और आप उन पर लाठी चार्ज कर दो निहत्तों पे, बुलडोजर उन पे चलते हैं जो गलत काम करते हैं। हमारे अधिवक्ता जो है गलत काम के उसमें ना पक्ष में रहते हैं ना करते हैं, तो हम पे तो बुलडोजर चलना बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात, हम भी लाठी तो चल गई ना, क्या लाठी तो आपको चल गई, अब यही तो बात बता रहे हैं कि पुलिस की तानाशाही यही तो है, धरना क्यों चल रहा है, ये लाठी की चल रहा है। अगर राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन हमारे खत्म हो रहे हैं तो कौन आवाज उठाएगा। आम पब्लिक पिट के बैठ जाती है, ये वकील हैं, पिट के बैठने वालों में से नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम। गोली का जवाब गोली से देंगे। हिंसा की बात कर रहे हैं, वकील इतना कमजोर कौम नहीं है कि पुलिस पीटेगा और पिट के बैठ जाएंगे। पहले तो हम प्यार से समझाएंगे, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझे तो लाठी डंडा और गोली से पीछे नहीं है वकील। और ये मुकदमा लिखने जब ये मुकदमा लिखेंगे उसको कहां लेके आएंगे, कोर्ट में लिखेंगे, अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, यहां मारेंगे फिर इन्हें अगर ये नहीं बाज आएंगे तो। खुल के कह रहे हैं, पुलिस को कानून हाथ में लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जब हमारे हाथ काटने के लिए कानून तैयार है तो हम अपने हाथ को कटने से बचाने के लिए लाठी डंडा गोली बंदूक सब उठाएंगे। आप हमें कितना ही भड़का लो, अभी हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, गोली चलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा था, आत्मसुरक्षा का अधिकार वकील को भी दिया गया, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, लाठी चलावेगी लाठी का जवाब लाठी से दिया जाएगा। और तुम्हारी एक बात और कह दूं, बिल्डोजर की बात तुमने रखी, क्या तुम खुफिया विभाग से आए हो या पुलिस ने भेजा तुम्हें यहाँ वकीलों के इंटरव्यू लेने के लिए? अगर तुम ये सोच रहे हो पहले पत्रकार बंधु बता दूं, पत्रकारों की भी एंट्री बैन है। और अगर तुम्हें डीसीपी कमिश्नर ने भेजा तो मैं बता दूं, उससे कह देना तेरे पे जो बस की हो वकीलों का खाल लीजो, अब वकील उखाड़ के दिखाओगे, ऑफिस भी उखाड़ेंगे और उसकी मेज कुर्सी भी उठा के ले जाएंगे। देख लो।